A very good day to all of you. In chapter 2, large number, today we discuss about the exercise from question number 2. I hope, my dear student, that you have completed question 1 earlier according to previous video. So today we discuss from question number 2, fill in the blanks. Smallest number in the box to make the given statement true. That means the question said, students, that we have to, in this fill in the blanks, we have to fill smallest number so that the statement's true. जो आपको यहाँ पे given statement दिया हुआ है, some are greater or some are less. So we have to put smallest number or write smallest number to make the condition or statement true. Question number 1 said 74 comma space 93 greater than 74,486. That means student, question आपका यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें इस number को क्या करना है, ग्रेटर दिखाना है. किस नंबर से? इस नंबर से. सो हम यहाँ पे कौन सा डिजिट फिल कर दें कि ये नंबर जो है ग्रेटर हो जाए किस नंबर से, 74,486 से. सो स्टूडेंट, वी हैव टू गो थ्रू अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन रूल जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में आपके दो केसेस थे. So first we check rule number 1. Here is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, digit they're same. Now second, that we have to compare from left hand side each digit. Okay, left hand side se hum har ek digit ko compare karenge. Here is 7, here is also 7, hame feel. Or here is 4, हियर इज 4. हमें फील कहाँ करना है, दिस प्लेस, दैट मीन्स थर्ड प्लेस, एंड हियर इज थर्ड प्लेस 4. हमें क्या करना है, इस नंबर को बड़ा दिखाना है. बड़ा दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्लेस पे जो डिजिट यहाँ पे है इससे बड़ी वैल्यू ही यहाँ पे होनी चाहिए, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा. किस नंबर से, 74,486 से. सो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें, हियर इज फोर, हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड हियर इज योर डिजिट 4. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें अगर इसको बड़ा दिखाना है तो इस डिजिट से बड़ा ही यहाँ पे डिजिट होना चाहिए. बट स्टूडेंट, वी सी आफ्टर दिस डिजिट, हियर इज 9 एंड हियर इज 8. ओके, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 4 भी अगर लिख दें, ओके, अगर हम यहाँ 4 भी राइट कर दें, हम इस डिजिट से बड़ा कोई डिजिट यहाँ ना लिखें, क्योंकि हियर इज 9, हियर इज 8. ओके, तो 9 इज ग्रेटर, तो 9 आपका यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये नंबर ऑलरेडी इस नंबर से बड़ा है. ओके, सो वी राइट 4 हियर, देयर इज नो चेंज, क्योंकि आपके इस डिजिट के बाद यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, तो 9 आपका क्या होता है, बड़ा होता है 8 से. सो 9 इस नंबर को क्या कर दे रहा है, बड़ा कर दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे. तो 4 एज इट इज 4 हियर. ओके, नाउ कम हियर, वी हैव टू फिल इन, फिल ऑन द फर्स्ट प्लेस. ओके, तो फर्स्ट प्लेस हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ हियर इज 7 एंड हियर वी हैव टू राइट स्मॉलेस्ट नंबर. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा है आपके इस नंबर के लिए. दैट मीन्स ये नंबर आपका बड़ा होना चाहिए इस नंबर से. ओके, तो यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम फर्स्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट लिख दें कि 7 से यहाँ बड़ा हो जाए, वी राइट 8 हियर. ओके, अगर हम, क्योंकि हमें इस नंबर को बड़ा दिखाना है, दिस इज ग्रेटर देन साइन ना, तो 7 से बड़ा कौन सा डिजिट होगा, 8. So we write 8 here. After this, check second place. Here is second fill in the blank and here is 6. Okay.
दिस साइन शो दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. ओके, हमें इस नंबर को बड़ा दिखाना है. अब बड़ा दिखाने के लिए हमें यहाँ क्या फील करना होगा, कोई छोटा ही डिजिट जो इस डिजिट से छोटा हो. ओके, सेकेंड प्लेस से, क्योंकि सेकेंड प्लेस पे हमें फील करना है. हियर इज सिक्स एंड हियर वी हैव टू फील इट. ओके, तो हम यहाँ पे सिक्स से छोटा फाइव भी फील कर सकते हैं, फोर भी फील कर सकते हैं, थ्री भी फील कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी तो सिक्स से छोटे होंगे. लेकिन हम फील क्या करेंगे, जीरो, बिकॉज वी स्टार्ट कंपैरिजन. जहाँ भी अगर फिलअप करने का होगा तो हम जीरो से हमेशा चेक करेंगे. ओके, क्योंकि सिक्स से छोटा तो फाइव फोर थ्री ये सब हम लिख सकते हैं, लेकिन वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि जीरो भी तो आपका क्या है, वन से छोटा है. ओके, नाउ कम ऑन डी, हियर वी हैव टू फिल एट सेकेंड प्लेस. तो हम यहाँ सेकेंड डिजिट को चेक करेंगे. ओके, नाउ सेकेंड डिजिट हियर इज टू एंड हियर वी हैव टू फिल. अब फिल किस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है, हमें क्या यहाँ शो करना है, दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन दिस नंबर. ओके, हमें इस नंबर को ग्रेटर शो करना है, तो यहाँ पे टू है. अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिख दें कि इससे बड़ा हो जाए, दैट मीन्स टू के बाद आपका क्या आएगा, थ्री. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम पहले कंडीशन देखेंगे कि ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है. ओके, एंड देन वी हैव टू फील प्रॉपर वे अकॉर्डिंग टू द रूल. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप. हमें क्वेश्चन नंबर ए में क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर दोनों फाइंड करना है, सबसे छोटा नंबर भी और सबसे बड़ा नंबर भी. ओके, सो दिस टाइम आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री ए, और इसी के अकॉर्डिंग आप बी भी अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे. ओके, बट यू हैव टू सॉल्व बोथ क्वेश्चन, आपको दोनों क्वेश्चन करना है. मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर ए आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर. सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर. ओके, सो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास जो नंबर गिवेन है, दैट मीन्स जिसमें सबसे कम डिजिट होगा वो कौन सा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, और जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होगा वो कौन सा नंबर होगा, दैट इज लार्जेस्ट. और अगर सपोज जैसे लार्जेस्ट नंबर, मैंने रूल में आपको बताया था कि लार्जेस्ट नंबर कब हम फाइंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हो. सपोज दो ऐसे नंबर आपके पास आ गए जिसमें एट डिजिट इसमें भी है, एट डिजिट इसमें भी है, तब हम क्या करेंगे, देन वी गो थ्रू सेकेंड रूल. हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट सी हियर केयरफुली, स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें सबसे कम डिजिट हो. तो सबसे पहले हम डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे, अब यहाँ पे हमको सबसे कम एट डिजिट ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे तीन नंबर हैं जिसमें आपका एट डिजिट इसमें भी है, एट डिजिट इसमें भी है, एट डिजिट इसमें भी है. सो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रूल वन तो फॉलो नहीं किया, सो कम ऑन रूल सेकेंड. अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे. ओके, फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट पे, क्योंकि स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होगा, जिस भी डिजिट होगा जिस भी नंबर का, वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा. यहाँ पे एट है, हियर इज नाइन, हियर इज फोर. अब आपको तीनों डिजिट में कौन सबसे छोटा लग रहा है, दैट इज फोर. सो स्टूडेंट्स दैट मीन्स जो आपका ये नंबर दिया हुआ है, ये जो आपका
4,95,1,872 आपका क्या है, सबसे छोटा है। ओके, नाउ कम टू लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होगा। ओके, अब यहां पे देखिए, नाइन डिजिट से ज्यादा किसी में नहीं है, तो नाइन डिजिट। ओके, अब दोनों में सेम डिजिट आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हम कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी 7 है, यहाँ भी 7 है, अभी भी कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। सो वी गो थ्रू रूल नंबर 2B। ओके, रूल नंबर 2 के सेकेंड केस के लिए अब हम सेकेंड डिजिट को चेक करेंगे। सो स्टूडेंट, हमें यहाँ क्या मिला, यहाँ 1 एंड हियर वी गॉट 2। अब 1 यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ 1 यहाँ 2, दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर फ्रॉम 1, दैट मीन्स कि आपका ये नंबर जो है लार्जेस्ट नंबर है। ओके, 72,01,43। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व 3rd B। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4A, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन दिस नंबर अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसी तरह से हम डिसेंड, जो आपका 5th क्वेश्चन है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। और वॉट इज द अदर नेम ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्योंकि दोनों तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जा सकता है या कहीं आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हम राइट करेंगे, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, घटते हुए क्रम में, दैट मीन्स बड़े से छोटा। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू दिस असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बोथ क्वेश्चंस। ओके,